तो आप सभी स्टूडेंट को बताना चाहता हूँ छत्तीसगढ़ में सीजी व्यापम में जो है नई भर्ती परीक्षा के बारे में। जी हाँ, सभी जानकारी बताऊँगा कि छत्तीसगढ़ में सीजी व्यापम ने नया नोटिफिकेशन जो है जारी किया है और ये सबसे बड़ी अपडेट है, बिग अपडेट है। आवेदन करना जो है शुरू हो चुका है। आवेदन करने की लास्ट डेट क्या होगा, सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बताऊँगा, आपका एग्ज़ाम जो है कब होगा, किस तरह से आपको कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करना है, और सीजी व्यापम में जितने भी गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज आते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ एक महीने से भी कम का समय है, तो एक महीने से भी कम समय में आप जो है किस तरह से तैयारी कर सकते हो, किस तरह से आप जो है एक नया स्मार्ट स्ट्रैटेजी जो है बना सकते हो और कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई आप कर पाएंगे, सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जो है मिलने वाला है। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करें सबसे बड़ी भर्ती की, सबसे बड़ी वैकेंसीज के अपडेट के बारे में, तो छत्तीसगढ़ में जो है आपके जो है महिला पर्यवेक्षक महिला सुपरवाइज़र भर्ती परीक्षा जो है आ चुका है। श्रेणी की अगर हम बात करें तो तृतीय श्रेणी कार्यपालिक वेतनमान इसमें जो है 5200 से 20200 रुपये प्लस ग्रेड पे अगर हम बात करें तो 2400 रुपये, यानी कुल टोटल जो है आपको 22600 रुपये के करीब आपको जो है सैलरी मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छा है। तो महिला पर्यवेक्षक देख सकते हैं कितने कितने पोस्ट हैं, कुल टोटल जो है अगर हम पोस्ट की बात करें ऑल ओवर तो जो है छत्तीसगढ़ में 440 पोस्ट जो है निकल कर आया है, खुली भर्ती, खुली सीधी भर्ती और परिसीमित सीधी भर्ती। तो इसमें जो है अनारक्षित के लिए जो है 92 पोस्ट हैं, अनुसूचित जाति के लिए जो है 71 पोस्ट है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, तो अनुसूचित जनजाति के लिए 71, अनुसूचित जाति के लिए 26, वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 31, यानी कुल टोटल 220 पोस्ट हैं इसमें। वहीं परिसीमित सीधी भर्ती में भी इसी तरह से सेम 220, तो कुल टोटल जो है 440 पदों पर भर्ती जो है निकाला गया है, आप लोग देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छा है। और इसमें साफ तौर पर मेंशन किया गया है कि केवल महिला उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन पत्र जो है आमंत्रित किया जाता है, यानी कि छत्तीसगढ़ में इस महिला पर्यवेक्षक के 440 पोस्ट के लिए सिर्फ छत्तीसगढ़ के जितने भी लड़कियाँ हैं, छत्तीसगढ़ की जितनी भी महिला हैं वही इसमें जो है वही कैंडिडेट जो है इसमें आवेदन कर पाएंगे, बाकी पुरुष इसमें जो आवेदन नहीं कर सकते। तो छत्तीसगढ़ में सीजी व्यापम में काफ़ी अच्छी अपडेट्स हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको तैयारी अच्छे से करना है। अगर हम बात करें आपके खुली सीधी भर्ती एवं परिसीमित सीधी भर्ती, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा जारी प्रारंभिक सूची द्वारा तिथि से एक वर्ष के लिए मान्य होगा। यदि इस अवधि में वित्त विभाग द्वारा पर्यवेक्षक के 300 पदों के अतिरिक्त पदों पर भर्ती की अनुमति दी जाती है तो अनुमति दी गई पदों की संख्या तक इस प्रारंभिक सूची के नियमानुसार पर्यवेक्षकों की पद पूर्ति कार्यवाही मान्य अवधि तक जो है की जा सकेगी। आपको सभी जो नियम्स होते हैं उनको जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो खुली सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए आवश्यकता शैक्षणिक अर्हताएँ क्या, तो निर्धारित शैक्षणिक अर्हता आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि को अवश्य होना चाहिए। उम्मीदवार यदि कोई उम्मीदवार इस वर्ष की स्नातक की परीक्षा में बैठा है और आवेदन भरने की तिथि तक वह उसके पास स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है तो वह चयन हेतु आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के लिए पात्र नहीं होगी। यानी कि आपका जो है ग्रेजुएशन कम्प्लीट होना चाहिए, आपका जो है मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय से आपका जो है सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेजुएशन जो है कम्प्लीट होना चाहिए, बिना ग्रेजुएशन के आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। वहीं परिसीमित सीधी भर्ती की अगर हम बात करें जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए शैक्षणिक अर्हता है तो इसमें 10+2 यानी आपका 12वीं हायर सेकेंडरी से परीक्षा होना उत्तीर्ण है, ये चीज़ें हैं, तो 12वीं आपका कंप्लीट हो चुका है तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद पर न्यूनतम 5 वर्ष तक की आपको जो छूट दिया जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में ये सभी भर्ती परीक्षा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आयु सीमा की बात करें तो कम से कम जो 21 वर्ष होना चाहिए, वहीं परिसीमित सीधी भर्ती उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है एवं अधिकतम आयु सीमा जो है 45 वर्ष जो है होनी चाहिए। हर एक के लिए जो है अलग अलग जो है आयु सीमा जो है निर्धारित किया गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप में से हर एक स्टूडेंट के लिए। बस आपको गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी अच्छे से करना है, भर्ती परीक्षा के प्रिपरेशन अच्छे से करना है, साथ में जो है नियुक्ति की अन्य शर्तें, आवेदिका को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है, केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र होंगे, कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया वह जो है नियुक्ति के पात्र जो है बिल्कुल भी नहीं होने वाला। आगे मैं आपको बताता हूँ सिलेबस
क्योंकि बिना सिलेबस के आप जो है अच्छे से तैयारी नहीं हो पाएगा। समय अवधि की बात करें तो पूर्ण खुली सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए आयोजित चयन प्रक्रिया का पाठ्यक्रम, जिसमें आपका पूर्णांक की बात करें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। समय 2 घंटे का होगा, प्रश्नों की संख्या 100 होगा, प्रत्येक प्रश्न आपके जो है 2 अंकों के होंगे, यानी कुल टोटल 200 अंकों के। महिला एवं बाल विकास से संबंधित योजना एवं कार्यक्रम से भी संघों के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो महिला एवं बाल विकास विभाग के उद्देश्य एवं दायित्व, जिसमें पोषण हो गया, कुपोषण, शिशु व मातृ मृत्यु दर, टीकाकरण, ये सभी चीज़ें जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं। साथ में सामान्य मानसिक योग्यता एवं सामान्य ज्ञान। देखिए, रीजनिंग का क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जो रीजनिंग के क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाते, अच्छे से फेल नहीं कर पाते, क्योंकि रीजनिंग सभी से सॉल्व नहीं होता। तो रीजनिंग की तैयारी यदि आप अच्छे से करना चाहते हैं तो इसके लिए जो आप अरिहंत का मास्टर रीजनिंग ले सकते हैं। यदि आप अरिहंत के मास्टर रीजनिंग से रीजनिंग की तैयारी करेंगे, रीजनिंग के प्रिपरेशंस करेंगे, तो आपके रीजनिंग के प्रिपरेशंस अच्छे से हो पाएगा और आप डेफिनेटली कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में अच्छे से नंबर जो है गेन कर सकते हैं। वही सामान्य ज्ञान की अगर हम बात करें, जिसमें आपका भूगोल हो गया, भारत की अर्थव्यवस्था, जिसमें वर्तमान आर्थिक घटनाक्रम, सामाजिक आर्थिक विकास, पंचवर्षीय योजना, ये सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आर्थिक सर्वेक्षण के लिए आप जो है अर्थशास्त्र के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए आप जो है दृष्टि IAS का क्विक बुक ले सकते हैं, जिससे आपकी इकोनॉमिक्स की तैयारी अच्छे से हो पाए और आपका बहुत अच्छे से नंबर आ पाएगा। वही भूगोल जियोग्राफी की बात करें तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वही सामान्य विज्ञान, जिसमें विज्ञान के महत्वपूर्ण आविष्कार, विज्ञान संबंधित सामान्य ज्ञान, तो सामान्य ज्ञान के लिए विज्ञान के लिए आप जो है दृष्टि IAS का क्विक बुक ले सकते हैं। तो इन सभी से तैयारी कीजिए, डेफिनेटली आप जो है कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर पाओगे और आप जो है निश्चित तौर पर एग्ज़ाम्स में बहुत ही अच्छे से नंबर जो है ला सकते हैं, बहुत ही अच्छे से जो है नंबर गेन कर सकते हैं। इसलिए आपको जो है पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मेहनत करना ज़रूरी है, और जितना ज़्यादा पढ़ाई करेंगे आपके लिए उतनी ज़्यादा बेस्ट होने वाला है। सो छत्तीसगढ़ व्यापम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हिंदी के लिए दिल्ली IAS Academy का बुक ले सकते हैं, इंग्लिश के लिए एसेंशियल इंग्लिश रश्मि सी दिशा पब्लिकेशन की। वहीं गणित की बात करें, जिसमें आपका दशमिक प्रणाली, सम संख्या, विषम संख्या, गणित के लिए डॉक्टर RS अग्रवाल का बुक। तो इन सभी से तैयारी करना, डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई हो पाएगा। सो आई होप वीडियो अच्छा लगा हो। तो महिला पर्यवेक्षक के 440 पोस्ट की तैयारी आप अच्छे से कर सकते हैं। कटअप की अगर हम बात करें तो कटअप के बारे में भी मत सोचिए कि 100 प्रश्न में से आपके जो है कम से कम बता देता हूँ, फिर भी एक्सपेक्टेड अगर आपका 65 क्वेश्चन से 70 क्वेश्चन सही हो रहा है, जनरल का सिलेक्शन हो पाएगा। OBC का कम से कम जो है 60 से 65 और SC का जो है 55 से 60 और ST का 50 से 55। सो आई होप वीडियोस पसंद आया हो। चैनल पर नया है सब्सक्राइब करना, वीडियोस को शेयर करना। मिलते हैं किसी नए वीडियो में।